नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का हमारा मुद्दा है शेयर बाजार का। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हर हफ्ते का लेखा जोखा जो है शेयर बाजार का दिखाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जो है फिर से जो है हम एक बार शेयर बाजार के मार्केट के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी बिमल तोशनीवाल जी, जो निर्मल बंग जो चैनल पार्टनर है निर्मल बंग के, तो इनसे हम जानेंगे कि पिछला हफ्ता तो उन्होंने बताया था कि मामला ठंडा ही जाएगा, इस हफ्ते का लेखा जोखा क्या रहा और आने वाला जो हफ्ता रहेगा कैसा रहेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बिमल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। हमारे व्यूवर्स को बताइए कि सर जो हफ्ता जो गया अभी किस तरह का था, और उसको देखते हुए आगे का जो स्थिति है किस तरह रहेगी, इसके बारे में बताइए। हाँ जी, जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था जी, थोड़ा ठंडा ही रहेगा मामला। ये पूरे हफ्ते करीब करीब ठंडा ही रहा जी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है करीब 940 अंक नीचे गिरा, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5% के आसपास है। और NSE निफ्टी जी, वो करीब 250 पॉइंट के आसपास, वो 1.4% के आसपास नरम बंद रहा। BSE का सेंसेक्स 59,900 हो गया, 60,000 के नीचे जी। और सेम वैसे का वैसा ही निफ्टी भी 17,860 का क्लोजिंग दिया है। तो ये जो 60,000 के नीचे सेंसेक्स जो बन दिया है जी, तो उससे है ना टेक्निकली जो बोलते हैं बाजार में वीकनेस रहेगी। और 18,000 के नीचे जो निफ्टी है उससे भी ऐसा लगता है कि दबाव रहेगा। अब दबाव का सबसे मुख्य कारण क्या है? एक तो सबसे मुख्य कारण एक ही है कि FII कंटिन्यूस 5 दिन से बाजार के अंदर बेच रही है। उन्होंने ये पिछले 5 वर्किंग डे के अंदर करीब करीब 7,800 करोड़ का माल बेच दिया, वो बहुत बड़ी रकम है 5 दिन के अंदर। जबकि हालांकि DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो हैं, उन्होंने करीब 3,940 करोड़ का माल लिया है, फिर भी नेट नेट में बाजार के अंदर माल आया है। अब BSE का सेंसेक्स और निफ्टी तो गिरावट रही, जैसे मैंने बोला मिड कैप स्मॉल कैप जिसमें नॉर्मली निवेशक इन्वेस्ट करते हैं वो भी थोड़े थोड़े नरम रहे हैं। इस बार ऐसा हो गया है कि पूरे हफ्ते बाजार का वॉल्यूम काफ़ी घटा है, लगभग 20-25% डिलीवरी वॉल्यूम जो बोलते हैं वो घट गया है एवरेज से। मतलब जो ही बाजार घटता है अपने आप ही वॉल्यूम घटने लगा। इसका असर जो है जो पैसा जो लगाए हुए लोग हैं इन्वेस्टर हैं उस पर कितना पड़ा होगा? नहीं, उनका मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन जो घटा है जी, वो तो डेफिनेटली सबको मतलब सबको इफेक्ट तो आया ही है जी, सबको थोड़े थोड़े पैसे में कमी आई है। अब रह गई बात आगे की जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, आगे का ऐसा मुझे लगता है अभी भी लोगों को स्टे पुट रहना चाहिए, कोई अग्रेसिव बाय नहीं करना चाहिए, मतलब बड़े पैसे मत लगाइए, बड़े पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। और हाँ, अगर बाजार और थोड़ा ज़्यादा करेक्शन दे देता है तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अब क्या है, सबसे ज़रूरी क्या है, ये दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट मंडे सबसे पहले TCS देना शुरू करने वाला है। 9 तारीख को TCS सबसे पहले रिजल्ट देगा, 12 तारीख को इन्फोसिस देगा। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि टेक सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये जितने भी हैं ये सब म्यूटेड ग्रोथ देंगे, मतलब उनका रेवेन्यू जो 1-2% बढ़ेगा एंड नेट प्रॉफिट में भी कोई अच्छा उछाल नहीं आएगा। सबसे ज़रूरी है देखने लायक बात ये है कि उनका गाइडेंस कैसा रहता है मंडे को, मंडे से उनके सबके रिजल्ट जो आने शुरू हो जाएंगे उनके गाइडेंस कैसे रहेंगे इसके ऊपर निर्भर करता है जी। और दूसरी बात, बाजार में घटने का कारण ये मैं पिछली बार भी कहा था आपको, अभी भी मैं बता रहा हूँ, एक होता है MSCI इंडेक्स। MSCI इंडेक्स बोले तो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, वो एक अपना इंडेक्स बनाता है, उसको मोस्ट ऑफ द FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉलो करते हैं जी। इंडिया में लगभग FII 1700 रजिस्टर्ड FII है, तो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ FII उसको फॉलो करते हैं। अब MSCI इंडेक्स में जब अपना पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो मैं पिछली बार बताया था, पी करीब 24-25 के आसपास चल रहा है,
और यही अगर हम देखेंगे कि एशिया का पूरा एशिया का पी रेशो वो करीब चल रहा है 12 से 13 के बीच में। और अब आ जाती है बात एमर्जिंग मार्केट की, MSCI इंडेक्स ये जो मैं बता रहा हूँ वो तो सिर्फ 10 पे चल रहा है, 10 से 11 पे। अब ये सोचिए कि 10 11 पे अगर FII को अगर दूसरी जगह पे अगर कोई शेयर सस्ता मिलता है तो स्वाभाविक है लोग उधर ज़्यादा निवेश करेंगे अगर उनको लगता है। हालांकि वापस वही बात है, जो हमारा जो कॉरपोरेट ग्रोथ है, GDP है, वो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सस्ता देखेंगे तो FII इसी हिसाब से इधर शायद ऐसा लग रहा है बेच के दूसरी जगह निवेश कर रहे हैं जी। इस हिसाब से ऐसा लगता है आगे वाला समय में भी थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद करनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। अब दोस्तीवाल जी, अगर थोड़ी सी अगर पैसा लगाने की बात की जाए तो कौन सा सेक्टर इसमें सुरक्षित है कि थोड़ा वो पैसा लगा के कुछ तो बिजनेस किया जाए, ऐसा कुछ बता सकते हैं? मैं एक बार बहुत पहले आपसे कहा था कि अभी अगर ये IT सेक्टर में ही ये इनके जो रिजल्ट्स आने के बाद में अगर 5-7% का करेक्शन अगर दे देवे, 5-7% का करेक्शन दे देवे तो ये लेने लायक हो जाएंगे IT सेक्टर। फार्मा सेक्टर भी अच्छा है इस बार, FMCG वगैरह का भी जो ग्रोथ है, रूरल ग्रोथ पे उन लोग काफ़ी डिपेंड करते हैं। FMCG बोले तो पिछली बार बताया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड FMCG, ये सब जो हैं जैसे ब्रिटानिया हुआ, हिंदुस्तान लीवर हुआ, या ऐसी जो कंपनियां हैं बड़ी सब बड़ी कंपनियां का, उनका रूरल सेक्टर में ग्रोथ है जी। तो ये FMCG सेक्टर में भी थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। तो सुनील जी, अगर जो नए इन्वेस्टर हैं जो बड़े पहली बार मार्केट में आते हैं तो सबसे बड़े वो बड़े बड़े ब्रांड देखते हैं, बड़े बड़े नाम देखते हैं, तो जैसे अडानी ग्रुप हो गया, अंबानी ग्रुप हो गया, गोदरेज, इस तरह ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो ऐसे लोग क्या सलाह देंगे आप? भाई मेरा पर्सनली राय है, पर्सनली राय यही दूंगा कि लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब रह गई बात ग्रुप की, अडानी या धीरूभाई या ऐसे मतलब मुकेश अंबानी वगैरह ग्रुप के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो मुकेश अंबानी के रिलायंस है, रिलायंस का भाव आज भी घटा हुआ है, ये बार तो चलो ठीक है, ओवरऑल रिलायंस का भाव पूरे वीक में तो 1% से बढ़ा ही है, करीब 2520 के आसपास है, ये अगर घटे तो बिल्कुल लेने जैसा हो जाएगा जी, ऐसा है। तो धन्यवाद तोसनीवाल जी। तो ये थे विमल तोसनीवाल, हमारा शेयर बाज़ार के काफ़ी एक्सपर्ट हैं और रिजनेबल बैंक के चैनल पार्टनर हैं, तो ये हमसे इनसे सलाह ले रहे थे कि शेयर बाज़ार में जो है इन्वेस्टरों को किस तरह पैसा सुरक्षित रखना चाहिए, किस तरह उनको नुकसान ना हो इसकी जानकारी लेनी चाहिए, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और हम ज़्यादा हमारा कोशिश यही रहता है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे चैनल देख रहे हैं, अगर शेयर बाज़ार में इंटरेस्ट है तो उनका नुकसान ना हो, इसी पर हम हर साल हमारा हर हफ्ते में जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है। और आप भी दोस्तों, आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि हमारा नया नया वीडियो आपको देखने को मिल सके, क्योंकि हम राजनीति से लेके मुद्दों से लेके अलग अलग मुद्दों पर हम चर्चा करते रहते हैं। और देखते रहिए हमारे चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद।